कौन आया अभी? अरे भाई कैसा है? मेरी बहन कैसी हो? आजा आजा अंदर आ, दरवाजा बंद कर दे। ये ले भाई पानी पी ले। थैंक यू। और बता गर्मी में कैसा हाल है? अरे यार बहुत ज्यादा गर्मी है। हाँ। अभी मम्मी ने बोला कि बहन को कुछ सामान देके जा, कुछ बनाया था। अभी धूप में है मेरे को। और मम्मी कैसी है? अच्छी है, सब अच्छे हैं। और आप भाभी कैसे हैं? भाभी भी अच्छी है आपकी। और अमायरा कैसी है? अमायरा भी अच्छी है। और बता तेरा कैसा चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा है लाइफ में। हाँ। बहुत गर्मी है। और अच्छा बहन एक बात पूछूं? हाँ बोल, क्यों नहीं पूछना? बुरा तो नहीं मान जाएगी ना? अब तो शादी शुदा हो गई। नहीं, नहीं नहीं चल पहले बता। पहले तो बोल देता था, पिटाई भी कर देता था तेरी। हाँ, चल बोल नो टेंशन। अच्छा ये मेरे को ये बता। हाँ। कि तेरे सास ससुर तो केरला के हैं। हाँ। ठीक है, तो तुम वहाँ पे तो साड़ी पहनते हैं, वहाँ का कल्चर अलग है। अच्छा। वहाँ का खाना कुछ और है, वहाँ का पहनना कुछ और है, सब कुछ अलग है। और तू हिमाचल की है, तो मेरे को ये बता कि तू वेस्टर्न ड्रेस पहनती है तो तेरे सास ससुर तेरे हस्बैंड कुछ बोलता नहीं है? क्यों बोलेगा भाई, कैसे क्यों बोलेगा? देख मैं साउथ में शादी किया है ना, अभी वहां पे साउथ में है, केरला साइड में है। तो एक हमेशा एक बात हमेशा याद रखना, देख मम्मी डैडी हमारा, जो मम्मी डैडी है ठीक है, तेरा मम्मी मेरा मम्मी ठीक है, ये लोग पुराने ख्यालत का है ना, तो उनको आज के जनरेशन को बारे में उतना पता नहीं है। जैसे मेरे सास ससुर है वो भी पुराना ख्यालत का है, मॉडर्न टाइप नहीं समझते, मगर समझाने वाले हम हैं, हमें समझाना है। और रही बात जो तू बोल रहा है कि हमेशा एक लड़की, जैसे मैं एक लड़की हूँ, मैं तेरा बहन हूँ ठीक है, जब एक लड़का शादी करके एक लड़की को अपने घर पे लेके आता है तो घर, लड़के के घर में तो सब कुछ पुराना ही होता है ना, उसका घर पुराना होता है, उसका माँ बाप पुराने होते हैं, उसका कल्चर पुराने होता है, तो उसके घर पे क्या आ रहा है? सिर्फ एक इंसान नया एंट्री हो रहा है और कुछ नहीं बदल रहा है उनके जीवन में। मगर जब एक लड़की की शादी होती है तो उसके लिए सब नए होते हैं, उसको सब चीजें एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे मैं इनके घर पे आई हूँ तो मेरे लिए सब कुछ नया है, मेरे मम्मी पापा नए हैं, मेरा हस्बैंड नया है, मेरे लिए खाना इनका नया है, मेरा कल्चर यहाँ का नया है ना, तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा। जैसे भाभी है ठीक है, अगर तू सोच मैं तो साउथ का हूँ, अगर तू बता, तू मेरे घर पे आता है बोलते दीदी मेरे को डोसा खाना बड़ी पसंद है, डोसा खाना बड़ी पसंद है, हर दिन तेरे को डोसा दे दू, खा लेगा तू? नहीं। हम कहाँ का है, हिमाचल का है ना, हमें तो करी चावल ही पसंद है। तो मेरे घर पे ये रूल्स बनाए हैं तेरे जीजा ने कि करी चावल भी खाना है और डोसा भी खाना है, ताकि मैं भी उनका खाना एक्सेप्ट करूं और वो भी हमारा खाना एक्सेप्ट करे। मैं हर दिन डोसा और उत्तपम खा के नहीं जी सकता हूँ, मेरे को भी करी चाहिए। आज मैं ये ड्रेस पहनी हूँ, अगर मैं कहीं पे जाऊंगा तो अगर मेरा हस्बैंड मेरा साथ रहेगा तो मैं कुछ भी पहन सकता हूँ, मगर मेरा हस्बैंड को मेरा साथ खड़े होना है, तभी सास ससुर चेंज होगा, तभी दुनिया बदलेगा। क्योंकि दुनिया को क्या क्या गाना सुनाता था मेरा तेरे को बचपन पे, दुनिया क्या कहने वाला है, दुनिया बोलने वाला है, मगर करने वाला कौन है, हम है ना। इसीलिए तू कभी सोच के देख, तूने भी तो शादी किया है। और भाभी कहाँ का है, कहाँ से शादी किया है? शादी के टाइम में तो कुछ नहीं बोला था कि कहाँ से शादी किया है, कोलकाता का लड़की के साथ शादी किया है ना? तो कोलकाता में क्या खाता है? वहाँ पे तो फिश खाते हैं, चावल खाते हैं। तूने कभी सोचा है कि कितना दिन में, सालों में या महीनों में भाभी को फिश खिलाया तूने कभी? नहीं, क्योंकि मेरे घर में आप तो पता है मम्मी पापा खाते हैं। तो मम्मी पापा खाते हैं ना, मगर तू तो फिश खाता है ना। हाँ। डैडी भी तो फिश खा लेता है ना, तो लेके आना कभी, उसको भी खुश करना, समझे? उसको भी साड़ी पहनना पसंद है, तू साड़ी पहनने देता है उसको? नहीं नहीं पहनने देता है ना। तू हिमाचल के बारे में सोचता है, तू कोलकाता के भी बारे में सोच ना, उसने आज तक दाल चावल खाने के लिए मना किया है तेरे को? नहीं। खा लेता है ना चुपचाप? हाँ, नहीं तो खा लेता। खा लेता है ना, तुझे पसंद है ना, उनका क्या पसंद है कभी तूने सोचा है? तो इसलिए जा और आज जाके सोच भाभी क्या पसंद करता है, ठीक है? जब हमेशा एक चीज याद रखना, शादी सिर्फ दोनों के अंदर नहीं है, शादी है दो परिवार के अंदर। जैसे तेरा परिवार को भाभी ने एक्सेप्ट किया है ना, तुझे भी उसका परिवार, उसका कल्चर, उसका खाना सब एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है? आज मैं वेस्टर्न ड्रेस पहनूं, आज मैं जो भी खाऊं, मेरे को वो इंडिपेंडेंस और वो क्या बोलते हैं ना, एक क्या बोलते हैं, लड़की लोगों को सिक्योर करना एक हस्बैंड के ऊपर ही वो निर्भर करता है, समझे? समझ गया। बोला तो हो गया मगर कुछ समझ नहीं है तेरे। चल चल ठीक है, मैं घर जा रहा हूं। ठीक है ठीक है, मैं घर जा रहा हूं, चलो बाय। और सुन, और एक बात मैं बताना चाहूंगी कि मेरे घर पे भी एक बेटी है और तेरे घर पे भी एक बेटी है, ठीक है? आने वाले समय में जैसे भाभी भी किसी की बेटी थी तो तेरी बेटी भी तेरा है ना। तो इसीलिए अगर तेरा बेटी के साथ शादी होगा तो वो भी वो एक्सपेक्टेशन चाहेगा। अगर तू अपने घर पे ऐसा माहौल
करेगा तो वो भी अपने टाइम में वही सीखेगा। तो इसीलिए हमेशा वुमेन्स को इंडिपेंडेंट करना सीख, ठीक है? ठीक है ठीक है, चल बाय। हाँ, ज्ञान दे दिया ज्यादा, चलो बाय। सुनिए, आप काम कर रहे हो? हाँ यार, काम कर रहा हूँ, बोलिए। थोड़ा सा देखो ना, ये आज पार्टी है ना शाम को, तो फंक्शन में ये कौन सा साड़ी पहनूं मैं, ये सोच रही हूँ। यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जब तुम्हें पता है यार हिमाचल में सभी सूट पहनते हैं, और तुम अकेले साड़ी पहन के जाओगे, अजीब से वहां पे लगोगे, पार्टी में अलग सा तोते जैसे लगोगे। थोड़ा तुम्हें समझना चाहिए यार, सभी सूट पहन के आएंगे, तुम भी सूट पहन के चलो ना यार, थोड़ा समझा करो बात को, तुम्हें खुद अपना दिमाग लगाया करो ना यार, तुम समझते नहीं हो। ठीक है कोई ना, मैं फिर वो मम्मी ने जो सूट दिया था हिमाचल से वो पहन लेती हूँ। हाँ, जो मम्मी डैडी ने सूट दिया था ना उसको पहन लो, वो अच्छा लगेगा तुम्हारे ऊपर, और सबके वहाँ पे हिमाचल में सभी सूट पहन के आएंगे ना, तुम भी अच्छे लगोगे उसमें, सूट पहन लो। ठीक है ठीक है। आज भी फंक्शन है, उस दिन तो बोला था कि सूट पहनने के लिए, कौन सा सूट पहनो देते हैं। अरे क्या कर रहे हो? सूट देख रही हूँ, कौन सा सूट पहनूं समझ नहीं आ रहा है। सूट? हाँ। ओ, शाम की पार्टी के लिए? हाँ। अच्छा अच्छा, सूट? हाँ। सूट ही पहनोगे? हाँ, तो वहाँ पे सब आएगा ना, ताया भी आ रहा है, चाचा भी आ रहा है। ये लो। ये नहीं पहनूंगी, साड़ी नहीं पहनूंगी, सूट पहनना है। जब आपका पति बोल रहा है तो पहनो, कोई बात नहीं, चलो साड़ी पहनो। पक्का? हाँ, अच्छी लगोगी, साड़ी में अच्छी लगती हो, साड़ी पहनो, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, साड़ी पहनना, अच्छी लगोगी। माले तू कपड़ा उसके पापा आने से पहले। क्या कर रहे हो? अरे आ गए, बैठो 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 बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। ये लो। ये क्या है? ये आपके लिए एक चीज लाया हूँ, देखो क्या है। अरे ये तो फिश है। आज फिश बनेगी, ठीक है? मम्मी क्या बोलेगी? अरे यार जब आपके हस्बैंड ने बोल दिया है ना तो फिश बनानी है, ठीक है? आज मेरा मन हो रहा है, हम सभी खाएंगे, आप टेस्टी बनाते हो, बहुत टाइम हो गया आपके हाथों का फिश। और ये देखो क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। ये क्या है? टॉप। ये किसके लिए है? तुम्हारे लिए। अच्छा नहीं लगा क्या? तो ये कब कहीं पे जाएंगे तब पहनेंगे? नहीं नहीं, क्योंकि शादी से पहले तुम इतने सारे टॉप पहनते थे। वो तो शादी से पहले ना, अभी तो घर पे यही पहनना है, सूट ही। नहीं नहीं, जब तुम्हारे हस्बैंड ने लाया हुआ है, तुम्हारे पति ने जब ये दिया तो टॉप पहनना। दीदी को देखा घर में टॉप पहनती है अच्छे से, पूरा फैशन। तुम तो शादी के बाद पूरा बदल गए। तो तुम ही तो बोलते हो सूट पहनने के लिए, मम्मी भी बोलती है सूट पहनने के लिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारा पति ने बोला ना, सॉरी यार मेरे को बहुत बुरा लगा कि मैंने शादी से पहले तुम्हें इतने वादे किए, और अभी मेरी गलती थी कि मैं भूल गया था कि यार मैंने लव मैरिज की है और बड़े बड़े वादे किए थे, और जब परिवार के सामने या लोगों के सामने मैं भूल गया कि यार मैं अपने तुम्हारे जो जितने भी ख्वाहिशें थी सारा भूल के अपनी ख्वाहिशें पूरी करने में लगा हुआ था, मैं ये भूल गया था कि यार तुम हमारे घर में बहू नहीं बेटी बन के आई हो, तो मेरे को माफ करना, ठीक है? आज के बाद कोई पार्टी में जाएंगे, आप अपने पसंद का साड़ी पहनना है, टॉप पहनना है, जो भी पहनना है वो आप पहन सकते हो। खाना हमारे घर में आपके साइड का जो आपका फेवरेट है वो भी बनेगा, हमारा भी बनेगा, ठीक है? सब कुछ ठीक है, सॉरी। थैंक यू आपने समझने के लिए, और ऐसी चाहती हो कि आपका भी मैं समझू और आप भी हम मेरे समझू। चलो ठीक है, सॉरी है ना। ओके इट्स ओके, चल तो फिश बनाओ। खाते हैं, चलो जल्दी जल्दी जल्दी, मेरे को फिश खाना है। ठीक है ठीक है, चलो। अरे खाना जल्दी लाओ। ये लो राइस। खाना तो ये लो राइस। वाह अमायदा, यम्मी। दाल? दाल? हाँ। अरे यार दाल तो हर दिन खाते हैं, दाल कड़ी वो लाओ ना जो बनाया हुआ उसको। ये लो फिश। ये वाह, ये क्या है हमारा? वाह कितनी टेस्टी बनी है, अच्छी बनी है देखने में ना। चलो चलो तो तुम भी खा लो। तुम लोग खा लो, मैं बाद में खाऊंगी। नहीं नहीं तुम भी खा लो, चलो। अच्छा हो ना? बहुत टेस्टी है, यम्मी है ना हमारा, काफी अच्छी बनी है। देखो मम्मा बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी, हाँ बहुत अच्छी बनी है, ऐसी बनाया करो ना।
मम्मा ऐसा बनाया करो ना, बहुत टेस्टी है। टेस्टी है, आपको अच्छा लगता है फिश? अभी तो मिष्टी दोई भी है, रसगुल्ला भी है हमारा, अभी तो बहुत कुछ है, खाओगे ना? वाह, और दो और। एक और।